हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली वोकैब क्लास सुबह 8:30 बजे, मैथ्स मंथन सुबह 10 बजे, जीके ज्ञान दोपहर 12 बजे, रीजनिंग मंत्रा दोपहर 2 बजे, इंग्लिश डोज शाम 4 बजे, मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि डेली हम मंडे टू फ्राइडे 12 बजे जीके की क्लास करते हैं, जो कि आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। काफ़ी बच्चों को बेनिफिट हुआ है जीके क्लास से, लोगों की बहुत इंप्रूव हो गई है जीके। उम्मीद है आप भी अपनी जीके बहुत इंप्रूव करेंगे और इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे और अपने पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे, जो कि आपके आने वाला एग्जाम है। आप सभी को पता ही है पिछले साल के जो एक सेट होता है जीए जनरल जीके का, वो हम कवर अप करते हैं सीएचएसएल का। और ये सिर्फ सीएचएसएल के लिए, आपके पूरे आने वाले जितने भी पेपर हैं सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो जीके हम डिस्कस करते हैं जो कि फ्रिक्वेंटली पेपर में पूछी जाती रहती है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में, हमेशा की तरह जो पहला क्वेश्चन है, और वो कौन सा है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। पत्थरडकल में स्थित स्मारकों के समूह को किसने बनवाया था? पत्थरडकल के स्मारकों को, मॉन्यूमेंट्स एट पत्थरडकल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहली बात तो ये है कहाँ पे, उसके बाद में किसने बनवाया था, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। किसको डेडिकेट किए हुए हैं, कौन से रिलीजन को डेडिकेट करे हुए, 3 सवाल हमेशा आपको हर एक मॉन्यूमेंट के पता होने चाहिए। कौन सा मॉन्यूमेंट किसने बनवाया, कौन से स्टेट में बना हुआ है, और कौन से भगवान को डेडिकेट है। सिंपल से 3 क्वेश्चन है, पेपर में हमेशा आते रहते हैं। जब भी हम बात करेंगे यहाँ पे आंसर आने लगे हैं डी, बिल्कुल सही आंसर है आपका डी, जिन लोगों ने डी आंसर किया है पहली बात तो। दूसरा ये, जब हम बात करते हैं पत्थरडकल की या फिर ईहोल की या फिर इसके अलावा कौन सा हुआ, ईहोल हुआ, पत्थरडकल हुआ और एक बादामी की, तीनों ही कहां पर है, ये सब तीनों कहां पर है, कर्नाटका के अंदर है। ठीक है, कहां पर है, कर्नाटका, पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। तीनों का ही रिलेशन किससे है, चालुकास से है, कहीं ना कहीं तीनों का जो रिलेशन है वो चालुकास से ही है। ठीक है, तो आपका आंसर अगर कुछ भी इनमें से पूछा जाए कौन से स्टेट में है, तो कर्नाटका ध्यान रखना है, और साथ में कौन सी डायनेस्टी ने किसने बनवाया, तो चालुकास ध्यान रखना है। सिंपल सा है, किसको है डेडिकेटेड, शिवा को डेडिकेटेड है। ठीक है, यहाँ पे तो काफी सारे हिंदू जैनिज्म के भी बहुत सारे बनाए हुए हैं, तो मेजरली जो है ना वो हिंदू के टेम्पल ही है, यहाँ पे मेजरली जो है वो हिंदू टेम्पल ही है। ठीक है, एक थोड़े बहुत जैन वाले भी हैं लेकिन मेजरली हिंदू ही है। तो आंसर कौन सा आ रहा है, और यहाँ कुछ चल जी रहा है, कुछ पूछ रहे हैं प्रिंक प्रधान जी, समझ में नहीं आया लेकिन, तो आंसर क्या है इसका, डी इसका सही आंसर है। ठीक है, चालुकास इसका सही आंसर है, काफी सही आंसर दिया। आप देख सकते हैं जो पत्थरडकल की जो इमेज है वो आपके सामने होगी, ये वो इमेज है, ये जो मॉन्यूमेंट है जो कि वहां पे अवेलेबल है, 7th to 8th century के समवेयर इसको बनाया गया था। ठीक है, अनुराधा जी के गलत हो गया, कोई बात नहीं है गलत हो गया, देखिए ट्राई करना सबसे इंपॉर्टेंट है जीवन में। सक्सेस तो हमेशा हमें किसी को जल्दी मिलती है, किसी को लेट मिलती है, कभी हमारा आंसर गलत होता है कभी सही होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है ट्राई करना। आप कोशिश करिए, अपना बेस्ट दीजिए, उसके बाद में अपने आप जो अगर आप गलती करें तो अगली बार ही गलती नहीं करेंगे, इस चीज का सिर्फ ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, बड़ा ही सिंपल है, मैंने कुछ दिन पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था। मैंने आपको 5 नाम बताए थे जो कि ऑस्कर के हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी मिस यूनिवर्स है, मिस वर्ल्ड है, ऑस्कर कितने लोगों को मिला है, ग्रैमी कितने लोगों को मिला है, नोबेल कितने लोगों को मिला है, ये सब आपको पता होना चाहिए। हमारे देश के जो अचीवमेंट्स है ना इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो कौन कौन लोगों ने अचीव करे, ये हमें पता होना चाहिए। पहले भी मैंने आपको बताया था जब हम ऑस्कर की बात करते हैं, ऑस्कर तो ठीक है, ऑस्कर की बात करते हैं तो एक तो भानु अस्थिया, सत्यजीत, उसके अलावा ठीक है, इसके अलावा अपने ARRAHMAN, इसके अलावा अपने गुलजार साहब, और साथ में एक भानु रसल पुर्तगी। तो ये कुल मिला के 5 नाम है जो कि आपको ध्यान रखने हैं ऑस्कर से रिलेटेड। भानु जी को मिला था गांधी मूवी के लिए, ठीक है, कॉस्ट्यूम, बेस्ट कॉस्ट्यूम। इसके अलावा सत्यजीत रे को लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनरनरी ऑस्कर, ऑनरनरी जो उनके अचीवमेंट है ना, ऑनरनरी ऑनर किया गया था इनको।
यार रहमान आपको बताइए, तीनों जो ये पर्सन है, इन तीनों को स्लमडॉग मिलेनियर के लिए मिला था। यार रहमान को दो ऑस्कर मिले थे, एक तो ओरिजिनल ओरिजिनल सॉन्ग और एक ओरिजिनल स्कोर। वहीं पे गुलजार साहब को साथ में मिला था, गुलजार साहब और यार रहमान को ओरिजिनल सॉन्ग, ठीक है ये वाला। तो यार रहमान को तो सॉन्ग का भी मिला और स्कोर का भी मिला, गुलजार साहब को यार रहमान के साथ में ओरिजिनल सॉन्ग को मिला। जय हो गाना सुना है ना आपने, जय हो उस गाने के लिए। और ये रसल जो है इनको मिक्सिंग के लिए मिला था, साउंड मिक्सिंग के लिए, ठीक है। तो ये पांच छह नाम आपको ध्यान रखने पेपर में और बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, ओरिजिनल स्कोर बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ये देखिए यहाँ पे मैं लिख रखा है ना ओरिजिनल स्कोर, कौन से यार रहमान, तो आंसर क्या हुआ आपका, बी आपका सही आंसर हुआ, ठीक है। बेस्ट ओरिजिनल स्कोर किसको मिला, यार रहमान को मिला, स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए मिला और वो ऑस्कर था, ठीक है बिल्कुल सही है। काफी लोगों का यहाँ पे सही आंसर आया है। और बीना जी बोल रही है कि एमपी पीएससी के अंदर ये क्वेश्चन आया था। तो भानु जी देखिए, बीना जी देखिए, जितने भी इंडिया के जो पेपर है ना, सभी के अंदर ये सवाल आते रहेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये जो जीके क्लास है, सिर्फ आपके सीएचएसएल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडिया के सभी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हम इसको बहुत बार देखेंगे और कई बार इसको रिवाइज करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में याद हो जाएगी, बस आपको कोई बुक्स देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी। इसी तरीके से हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिगर से निकल के हृदय की तरफ जाने वाले रक्त में डैश की उच्च सांद्रता होती है। ब्लड लिविंग द लिवर एंड मूविंग टूवर्ड्स द हार्ट हैज ए हायर कंसेंट्रेशन ऑफ। तो देखिए, लिविंग द लिवर, लिवर में से एक ब्लड जैसा कुछ निकलता है जो कि हमारे जो गॉल ब्लैडर है उसके अंदर स्टोर होता है, वहां से किसी चीज का रिसाव होता है जो कि हमारे दिल की तरफ आता है, वो क्या होता है ये आपको बताना है। और यहां पे काफी लोगों यहां पे आंसर दे रहे हैं। और यहां पे निशा जी, नेहा जी बोल रही है कि इनके 20 में से 12 क्वेश्चन सही हुए हैं, इन्होंने ऑनलाइन टेस्ट दिया था, पहले इनके कुछ इनको आता नहीं था कुछ भी। देखिए निशा जी, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हमेशा मैं बोलता हूं कि जीके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको खुद को ग्रो करने के लिए, और कोई सा भी पेपर दीजिएगा वहां पे आपको बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा आने वाले कुछ टाइम बाद में, ठीक है। साथ में मैंने आपको बोल रखा है जीके 24 एप्लीकेशन के अंदर आप सभी को 200-250 वीडियो मिलेंगे जीके के मेरे बनाए हुए, तो उस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करिएगा जीके 24 को, ठीक है। वहां पे आपको बहुत कुछ वीडियोस मिलेंगे, डेली एक दो वीडियो देखोगे आधा घंटा एक घंटा, तो आपकी जीके बहुत ऊपर वाले लेवल पे पहुंच जाएगी। चलो थर्ड क्वेश्चन जो है यहाँ पे, वो इसका आंसर क्या होगा, बाइल पिगमेंट, सी इसका सही आंसर होगा। देखिए हमारी बॉडी में क्या होता है, कुछ भी हम खाते हैं तो सबसे पहले स्टमक में जाके प्रोटीन का ऑब्जॉर्प्शन होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे जाते हैं ना, तो बाइल पिगमेंट होता है जो कि लिवर में से निकल के गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर से निकल के जो हमारे फैट कंटेंट होता है बॉडी में, फैट जो हमने खाना खाया होता है उसको डिजोल्व करता है, उसको क्या करता है, उसको ब्रेक करने का काम करता है। तो ये काम किसका है, बाइल पिगमेंट का है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आंसर है ना, वो तो सी आंसर है इसका, मैंने आपको बता दिया। आपके सामने एक इमेज होगी, ये देखिए ये लिवर की इमेज है। अब लीवर के अंदर जस्ट आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे देखिए गॉल ब्लैडर है, इसी के अंदर लीवर में से गॉल ब्लैडर में जाता है पहले, उसके बाद में फिर बाहर की तरफ निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट भी आप इमेज देख सकते हैं, नेक्स्ट इमेज भी आपके सामने है। अब ये देखिए लीवर के जस्ट नीचे आपको सामने दिख रहा होगा ना गॉल ब्लैडर है, और यहां से जो ब्लड है यानी कि जो बाइल पिगमेंट है वो निकलता है और फिर डाइजेशन का काम करता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं बाइल पिगमेंट के बारे में, ये होता क्या है। देखिए दो तरीके के पिगमेंट्स होते हैं, एक तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। पेपर में कई बार पूछते हैं ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन किसका पार्ट है, तो आपको ध्यान रखना है ये दोनों किसका पार्ट है, बाइल पिगमेंट का पार्ट है। और होमोग्लोबिन जो होता है ना उसके डिस्ट्रक्शन से बनता है, मतलब जो ओल्ड आरबीसी होते हैं ना रेड ब्लड सेल, ठीक है, तो उनके डिस्ट्रक्शन होने के बाद में होमोग्लोबिन से बनता है, और ये आपको ध्यान रखना है। तो आपके इसके साथ इसके अलावा इसके फंक्शन भी देख सकते हैं, ये सब है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताई दिया फंक्शंस। तो हमारे जो फैट कंटेंट है कार्बो है उसको डाइजेस्ट करने का ये काम करता है। ओके नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो उम्मीद है कि आप सभी लोग इसका सही आंसर करेंगे। काफी बच्चों ने जो आंसर कराया वो मैं चेक कर लेता हूं एक बार। राहुल जी बोल रहे हैं करंट अफेयर के लिए एक दो दिन में करंट अफेयर ला दूंगा बच्चों में आपके लिए। और बिल्कुल सही है फ्रेंड, बिल्कुल सही है, काफी लोगों ने सही आंसर दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आपसे पूछा गया बल्ब को लेकर।
मॉडिफिकेशन ऑफ विच पार्ट ऑफ ए प्लांट, बल्ब इज ए मॉडिफिकेशन। बल्ब क्या होता है? एक मॉडिफिकेशन होता है किसी प्लांट के पार्ट का, वो क्या होता है ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे देखिए मॉडिफाइड, मैं अगर आपको चार पार्ट्स में बताता हूँ, मॉडिफाइड स्टेम जो होती है ना वो चार पार्ट्स में होती है। एक तो बल्ब होती है, एक रिंजोम्स होती है, एक ट्यूबर्स होती है। बच्चे जो आंसर कर रहे हैं वो बी आंसर कर रहे हैं, और कई लोगों ने यहाँ पे आंसर और भी कुछ दिया है। देखिए यहाँ पे जो आपका आंसर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली, तो वो स्टैम आपका आंसर होना चाहिए, यानी कि बी आपका सही आंसर होना चाहिए। बी और सी के अंदर बच्चे बहुत कंफ्यूज है, तो आपका जो एक्चुअली में आंसर होगा ना वो तो आपका बी आंसर होगा, ठीक है। स्टैम, स्टैम जो होती है ना, मॉडिफाइड स्टैम ही बल्ब कहलाती है, यानी कि ये स्टैम है। अगर ये मॉडिफाई हो गई तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं स्टैम, अगर ये स्टैम है और ये मॉडिफाई हो गई तो मैं इसको बल्ब का नाम दूंगा। वो एक्चुअली होता क्या है कि बल्ब के शेप में प्रोड्यूस हो जाती है, तो बल्ब के शेप में जब स्टैम बन जाती है ना तब हम उसको बल्ब नाम देते हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या है, स्टैम इसका सही आंसर है। आप देख सकते हैं आपके सामने इमेज होगी जिसमें किस तरीके से मॉडिफाइड बर्ड्स यानी कि जो बल्ब है वो आपके सामने है, ठीक है। तो ये ओनियन जो होता है ना, अपना प्याज होता है, उसका पार्ट है ये, मॉडिफाइड स्टैम है जो कि बल्ब के शेप में है। तो इसके अलावा ओनियन है, ट्यूलिप है, इन सभी का यही सीन होता है। नेक्स्ट भी आप देख सकते हैं जो कि चार पार्ट्स में मैंने कवर अप किया है मॉडिफाइड स्टैम को। एक तो रनर या फिर स्टोलन कहते हैं इसको, और दूसरा एक रिजोम्स कहते हैं जो कि हॉरिजॉन्टली साइड में, एक तो ऊपर की तरफ ग्रो करेगी, एक साइड में ग्रो करेगी, एक नीचे की तरफ ग्रो करेगी। तो उसी के हिसाब से उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से नाम दिए हुए हैं। एक तो रनर है, उसके अलावा रिजोम्स है जो कि हॉरिजॉन्टल होती है जैसे कि जिंजर, ठीक है। वैसे ट्यूबर होती है जैसे कि पोटैटो होता है, और वैसे बल्ब होता है जैसे कि ओनियन होता है। चारों के एग्जाम्पल याद कर लो किसका क्या होता है और चारों के नाम याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। रनर कौन सा हुआ, स्ट्रॉबेरी का मॉडिफाइड स्टैम हुआ। जिंजर का मॉडिफाइड स्टैम क्या हुआ, रिजोम्स हुआ। पोटैटो का क्या हुआ, ट्यूबर हुआ। और साथ में ओनियन का क्या हुआ, बल्ब हुआ। तो ये चारों नाम आप ध्यान रख लो, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इसमें से सवाल बनते रहते हैं और कई बार आपसे अलग तरीके से पूछते रहते हैं, बताइए मॉडिफाइड स्टैम ओनियन का क्या है, उल्टा सवाल कर देंगे। तो आपको ध्यान होना चाहिए दिमाग में कि वो बल्ब होता है। वैसे बताइए पोटैटो का मॉडिफाइड स्टैम नाम क्या है, ठीक है। तो वैसे आपको पता होना चाहिए ट्यूबर होता है। तो ये जो चार नाम है ये मॉडिफाइड स्टैम का पार्ट है, और आपका एक छोटा सा टॉपिक भी है आपके, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया वो पूछा गया था बड़ा ही सिंपल सा सवाल। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको बड़े अच्छे से समझाया था कि हमारी बॉडी में से जो ब्लड जाता है वो तो आर्टरीज के थ्रू जाता है, और जब वापस आता है तो वो वेन्स के थ्रू आता है वापस, ठीक है। और हमारे हार्ट के अंदर उल्टा हो जाता है, हमारे हार्ट के अंदर उल्टा हो जाता है। हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन जा रहा होता है हर पार्ट तक, वो आर्टरी लेके जाती है ऑक्सीजन को, और कार्बन डाइऑक्साइड वेन्स लेके आती है। लेकिन हमारे हार्ट में उल्टा होता है, हमारे हार्ट में पुलमरी आर्टरी होती है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाती है, और पुलमरी वेन्स होती है जो कि ऑक्सीजन लेके आती है। दोनों पार्ट समझ में आ गए, वापस से बता रहा हूँ। हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन लेके जाता है वो तो आर्टरी लेके जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड लेके आती है वेन्स। लेकिन हार्ट के शेप में, हार्ट के केस के अंदर उल्टा होता है, हमारे पुलमरी जो आर्टरी होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाती है और वापस लेके आती है, क्या जो पुलमरी वेन्स है वो हमारे ऑक्सीजन लेके आती है। सिंपल सा कंसेप्ट ध्यान रखना है। आंसर बच्चों का बिल्कुल सही है, आर्टरीज इसका सही आंसर होगा। लेकिन मैं और टफेस्ट कंडीशन में बता रहा हूँ, अगर आपको यहाँ पे बॉडी के बजाय यहाँ पे ये पूछ लिया जाता, लंग्स पूछ लिया जाता कि कौन सी चीज है, ठीक है, जो कि हमारे हार्ट को, हमारे ब्लड को हमारे हार्ट से लंग तक लेके जाती है, तो आपको पुलमेरी यहाँ पे ऑप्शन में आर्टरी भी दिया होता, पुलमेरी आर्टरी भी दिया होता, तो आपको पुलमेरी आर्टरी लगाना था, आंसर आर्टरी नहीं लगाना था। ये सिंपल सा कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। काफी बच्चों का यहाँ पे सही है। एक फ्रेंड बोल रहे हैं कि इनका नोटिफिकेशन नहीं आता है। देखिए फ्रेंड, जिन बच्चों का नोटिफिकेशन नहीं आता है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उसके बाद में बेल आइकन पे प्रेस करें, ठीक है। ये जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जितने बच्चे हैं सब्सक्राइब करिए। देखिए फ्रेंड, जीवन के किसी भी मोड पे जीके आपके बहुत काम आएगी, तो सब्सक्राइब जरूर करिए, दोस्तों तक फैलाइए जितना हो सके, ताकि उनको भी एक अच्छी नॉलेज मिल सके। साथ में आपको पता है 24 तारीख को लखनऊ आ रही है वाईफाई स्टडी की टीम, तो वहां पे भी आप सब आके मिल सकते हैं। चार बाग है रविंद्र ऑडिटोरियम, वहां पे वाईफाई स्टडी टीम से मिल सकते हैं। साथ में दिन में एक बार कम्युनिटी सेक्शन भी जरूर चेकअप करें, वहां से आपको नई जो भी नोटिफिकेशन है, साथ में और भी कई सारी चीजें जो कि आपको वहां से पता चलती रहती है।
ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सही है, ए इसका सही आंसर है। आप इमेज भी देख सकते हैं, आपके सामने कुछ इमेजेस भी होगी। ब्लड वेसल देखिए, आर्टरी क्या करती है, ब्लड को लेके जाती है हमारी बॉडी तक पूरी। और वैसे पुलमेरी आर्टरी क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाती है। आर्टरी तो हमारे ऑक्सीजन लेके जाती है, लेकिन पुलमेरी आर्टरी कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाती है। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल सा एक कंसेप्ट ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, मुझे लगता है किसी को नहीं आता होगा। दो एटम हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन का मिला के क्या बनाते हैं, ठीक है, H2O। वाटर का सभी को पता है ना, कोई गलत नहीं करेगा, गलत करोगे तो देखो बहुत गलत होगा। ठीक है, गलत नहीं करना है। डी इसका सही आंसर है, H2O। सभी को पता ही है पानी के बारे में, पानी कैसे बनता है, जब दो एटम हाइड्रोजन के लोगे और एक एटम ऑक्सीजन के लेके जब मिलाओगे तब किसका फॉर्मेशन होगा, ठीक है, वाटर का फॉर्मेशन होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सिंपल सा था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एटॉमिक नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। यानी कि आपको एटॉमिक नंबर के बारे में पता होना चाहिए कि जो चार एटॉमिक नंबर है इनमें से एल्यूमिनियम का किस कौन सा है जो कि एल्यूमिनियम का ज्यादा है, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो आपको एल्यूमिनियम का पता है ना, एल्यूमिनियम का तो 13 होता है, अब आपको बताना कि 13 से किसका ज्यादा है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहां पे काफी बच्चे हैं जो कि आंसर यहां पे दे रहे हैं। और आंसर अभी बिल्कुल गलत आ रहे हैं फ्रेंड, कोई भी बच्चों ने ज्यादा आंसर सही नहीं करे है। आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इमेजेस होगी, पहली वाली किसकी है, एल्यूमिनियम की है। एल्यूमिनियम की एटॉमिक नंबर कितना है, 13 है। नेक्स्ट वाली देखिए, ठीक है, नेक्स्ट वाली किसकी है, फॉस्फोरस की है, यानी कि जो आपका ए ऑप्शन है ना वो। अब इसके कितनी है, 15 है एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट वाली अगर आप देखोगे, नेक्स्ट वाली ये नियॉन है, नियॉन का कितना है एटॉमिक नंबर, 10 है। और साथ में सोडियम, सोडियम का कितना है, 12 है। सोडियम का मैग्नीशियम, माफ कीजिएगा, मैग्नीशियम आपका सी ऑप्शन है, मैग्नीशियम का 12 है। और इसके अलावा जो सोडियम होगा नेक्स्ट, सोडियम का आप देख सकते हैं 23 है। एटॉमिक नंबर तो है 11, लेकिन मास नंबर है 23। ठीक है, यानी कि 11 किसका, एल्यूमिनियम से भी कम है। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फॉस्फोरस का 12 हुआ, नियॉन का ये सबसे पहले तो एल्यूमिनियम का मैंने आपको बताया था, एल्यूमिनियम का 13 है, उसके बाद में फॉस्फोरस का जो है 15 है, उसके बाद में नियॉन का 10 है, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम का 12, और सोडियम का सबसे ज़्यादा है, सोडियम का नहीं, सोडियम का 11 है। सबसे ज्यादा किसका हुआ, फास्फोरस का हुआ। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, फास्फोरस इसका सही आंसर होगा। ठीक है, फास्फोरस यानी कि ए आपका सही आंसर होगा, फास्फोरस का ज्यादा है, एल्यूमिनियम का 13 है और फास्फोरस का 15 है। तो ये आपको सिर्फ दो तीन नाम याद रखने हैं, दो तीन ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहा है इसके अंदर, सारे के सारे याद करना पॉसिबल नहीं है। जो पिछले साल में पूछे गए बस वही याद कर लीजिए, उसके अलावा आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच वन ऑफ दिस इज नॉट ए वेब ब्राउजर, कौन सा वाला वेब ब्राउजर नहीं है। आपको पता है ना, मोबाइल फोन हो या फिर लैपटॉप हो, उसके अंदर हम वेब ब्राउजर खोलते हैं, वेब ब्राउजर के अंदर फिर हम कुछ ना कुछ सर्च करते हैं। ठीक है, अगर आप वाईफाई स्टडी डालोगे तो पहले आप वेब ब्राउजर खोलोगे, उसके अंदर फिर आप सर्च करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे काफी सारे वेब ब्राउजर्स हैं, और उम्मीद है कि आपको पता होगा, क्रोम के बारे में तो सबको पता है, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, ये दो नाम, सफारी भी आपने सुना होगा, बड़े कॉमन कॉमन से नाम है। और यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका, डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, लिनक्स, लिनक्स कोई वेब ब्राउजर नहीं है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप सभी को पता ही है। आपके सामने एक इमेज होगी जिसमें आप देख सकते हैं, है हाँ, ठीक है, तो आपके सामने देखिए बहुत सारे वेब ब्राउजर है। अब देखिए कौन कौन से आपके, यार सारे के सारे जो है ना एक बार आप देख लो, ताकि आपके अगली बार पेपर में कुछ पूछा जाए ना, अगर कोई भी अजीब सा भी नाम आ जाए तो आपको ध्यान रहे कि ये भी एक वेब ब्राउजर है। फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा और सफारी, ये तो सबको पता ही है। ऊपर वाले टॉप 5 में तो किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं, नीचे वाले टॉप 5 में सभी को दिक्कत होगी। कौन कौन से है, मैक्सथॉन है, फ्लॉक है, एवेंट ब्राउजर है, और डीप नेट है, और साथ में फेज आउट है। फेज आउट, डीप नेट, एवेट, फ्लॉक और साथ में मैक्सथॉन, तो ये अजीब अजीब से जो नीचे के 5 नाम है ये भी एक दो बार देख लो, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, इसके अलावा ऊपर के 5 नाम आपको पता ही है, और
नेक्स्ट इमेज भी आप यहां पर देख सकते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये लिनक्स के बारे में, लिनक्स होता क्या है, अब देखिए लिनक्स भी देख लीजिए होता क्या है। आपको पता है ना कि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये क्या है, फ्री और ओपन सोर्स है, जो कि कई सारे विंडोज में भी काम में लिया जाता है। तो उम्मीद है कि अगली बार से आप गलत नहीं करेंगे। आंसर इसका क्या है, डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि डजो गगा, ठीक है, डजो गगा नाम की एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो कौन सी कंट्री की है, ये आपसे पूछी गई। अब देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज, सबसे पहले तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस है, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आज ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ना आपसे, तो आपको ध्यान रखने के लिए बहुत जरूरी है। जब भी ऑफिशियल लैंग्वेज का जो सवाल आता है, तो दो चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी होती है, एक तो हमारे देश की जो शेड्यूल लैंग्वेजेस है, होता क्या है देखिए, एक तो आपको क्या लैंग्वेजेस में के जो प्रोविजंस है उसके अंदर से आपको जो ध्यान रखना है, वो तो एक तो आर्टिकल 343 8 शेड्यूल, उसके अंदर कितनी है, 22 लैंग्वेजेस है, ठीक है, 22 लैंग्वेजेस के अंदर इंक्लूड है। दूसरा जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है आसपास के, उनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या है, कंट्रीज का भी ऑफिशियल लैंग्वेज का सवाल आता है और साथ में स्टेट का भी आता है, स्टेट का तो इन्हीं में से होती है, जो 22 लैंग्वेजेस है ना मेजरली तो क्या इसी में से कवर हो जाती है, स्टेट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन जो आसपास के देश है उनके ऑफिशियल लैंग्वेज पता करना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए एक सिंगल से पेज आज एक इमेज के अंदर मैं आपको सारे के सारे आसपास के देशों के बताऊंगा, और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपको ध्यान रहेगी। भारत की सबसे पहले याद करिए, बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, देखिए इंग्लिश और हिंदी ये दो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ऑफिस में हम इसको काम में लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जितने भी काम होते हैं इंग्लिश में होते हैं, कभी हिंदी में वहाँ पे ना तो बातचीत होती है ना ही कभी आर्गुमेंट होता है, तो इंग्लिश के अंदर जब हमेशा काम होते हैं, तो इंग्लिश और हिंदी, हिंदी किसके अंदर, देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर, ये दो हमारी गवर्नमेंट की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। वैसे हमारी नेशनल लैंग्वेज तो कोई है ही नहीं, हम हमेशा ऐसे बोलते हैं हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, गलत बात, हिंदी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हमारे देश बहुत सारी लैंग्वेजेस है, डाइवर्सिफिकेशन है, ना तो कोई सिंगल रिलीजन है, ना ही कोई सिंगल गेम हमारा नेशनल गेम है, ना ही कोई हमारी नेशनल लैंग्वेज है, ना ही नेशनल ड्रिंक है, नेशनल कॉस्ट्यूम भी नहीं है, क्योंकि हमारे देश के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी, बहुत सारी अलग अलग डाइवर्सिटी है। ठीक है, आंसर ये कहाँ पर होगा, ये जो डंजो गेजा है ये कहाँ पर है, ये भूटान की ऑफिशियल लैंग्वेजेज है, तो आंसर क्या होगा, भूटान, सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। काफी बच्चों ने यहाँ पे तुक्का भी मारा है, ठीक है, और काफी बच्चों ने यहाँ पे सही आंसर भी किया है, और काफी बच्चों ने यहाँ पे सही आंसर किया है, बिल्कुल सही है। अब देखिए नवीन जी ने एक बोला है नो ऑफिशियल लैंग्वेज, देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है, वापस से नवीन जी मैं बता रहा हूं, नवीन अधिकारी जी ने बोला है कि यस सर नो ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज तो है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है देश की, ऐसी गलती नहीं करनी है। आप देखिए आपके सामने इमेज होगी, इसके अंदर देखिए अफगानिस्तान की क्या है, दारी और पश्तो, पश्तो यहाँ की वहां के पश्तून लोग थे वहां पे, इसीलिए पश्तो वहां की अफगानिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज कुछ भी नहीं है, बांग्लादेश की ऑफिशियल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज दोनों बांग्ला है, भूटान की डंगजो है और नेशनल लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज दोनों सेम है, इंडिया की देखिए हिंदी और इंग्लिश है, ऑफिशियल और नेशनल लैंग्वेज कुछ भी नहीं है, मालदीव्स की दिवे ही है, दिहेवी ऑफिशियल और नेशनल दोनों है, नेपाल की नेपाली है ऑफिशियल लैंग्वेज, पाकिस्तान की उर्दू है नेशनल भी, और श्रीलंका की तमिल और सिन्हाला है, और वहाँ की नेशनल ऑफिशियल भी सेम है। तो मेजरली जो देश है अपने आसपास के उनके ऑफिशियल और नेशनल लैंग्वेज दोनों सेम है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, और उम्मीद है कि, और यहाँ पे आशीष कुमार जी बोल रहे हैं इन्वेंशन डिस्कवरीज का वीडियो, देखिए फ्रेंड बनाऊंगा मैं, पूरी कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करने की। ठीक है, बिल्कुल सही है, काफी लोगों ने यहाँ पे सही आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और भूटान की कैपिटल के बारे में पूछ रहे हैं एक स्टूडेंट, परविंदर जी का फर्स्ट डे, वेलकम टू द फैमिली परविंदर जी, वाईफाई स्टडी सभी के लिए एक फैमिली है, और इस फैमिली के अंदर हम प्रिपरेशन करते हैं, बहुत अच्छी प्रिपरेशन, और आने वाले टाइम के अंदर बहुत बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है, जैसे कि ठीक है अभी तक बच्चे का CDS में और CGL में लास्ट ईयर भी हुआ है बहुत बच्चों का, आने वाले टाइम में बहुत अच्छे होने वाला है। साथ में यहाँ पे ठीक है एक बच्चों ने पूछा था कैपिटल, यहाँ पे तो थिम्पू उसकी कैपिटल है, भूटान की कैपिटल थिम्पू,
मेजरली पता नहीं होता लोगों को, लेकिन भूटान की जो कैपिटल है वो थिम्पू है, और नेपाल के काठमांडू आपको पता ही है। म्यांमार की बात करें तो नैपिदोंग वहाँ की कैपिटल है। बांग्लादेश की आपको पता ही ढाका है, पाकिस्तान के इस्लामाबाद है, इंडिया की दिल्ली है, इंडिया के नीचे श्रीलंका, श्रीलंका की जयवर्धनापुर कोटे उसकी कैपिटल है, अफगानिस्तान की काबुल है। ठीक है, आसपास के सारे देश आपको पता होने चाहिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन के बारे में पूछा गया। परफेक्ट कॉम्पिटिशन ये जो सवाल है कम से कम 10 बार आ चुका है पिछले साल के जो 74 पेपर है ना, उसमें से कम 10 से 20 बार ये सवाल पूछा जा चुका है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है। तो जो कर्व होता है वो बिल्कुल इलास्टिक होता है, जो इलास्टिसिटी है ना डिमांड और सप्लाई की वो बिल्कुल सही रहता है और इलास्टिक होता है, परफेक्ट इलास्टिक होता है वो कर्व। आप देखिए एक इमेज के अंदर जिससे आपको और अच्छा आएगा। ठीक है, ये देखिए परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, डिमांड फॉर द फर्म प्रोड्यूसर्स इज परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक है, और द मार्केट डिमांड इज नॉट परफेक्टली इलास्टिक बिकॉज ए सूटर इज सब्स्टिट्यूट फॉर सम अदर गुड। तो यहाँ पे नीचे वाले पे तो मत जाइए, स्टेटमेंट आप ज्यादा डेप्थ में चले जाएंगे। आपके पहले वाला देखिए, रेवेन्यू मार्जिन सब कुछ मिला के जो कर्व है ना वो बिल्कुल परफेक्ट होगा, उसको हम कहते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन इलास्टिसिटी। तो आंसर क्या होगा, डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि सी आपका इसका सही आंसर होगा। डिमांड जो कर्व है ना वो कैसा है, परफेक्टली इलास्टिक है। तो आंसर क्या है, सी आपका सही आंसर है। और नीतू जी का भी फर्स्ट डे, नीतू जी वेलकम टू द फैमिली, आपको भी और उम्मीद है आप इस तरीके से ही सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, साथ में फ्रेंड्स वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिए, जितना लाइक करेंगे शेयर करेंगे आपका एक कंट्रीब्यूशन होगा देश के कोने कोने तक इन वीडियोस को लेके जाने को लेकर। ठीक है, जितना हम मेहनत करें उम्मीद है आप भी मेहनत करें, साथ में अपने आसपास थोड़े से अवेयरनेस बढ़ाएं जितना हो सके, लोगों को अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवाएं ताकि उनको भी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है बच्चों को पैसों को लेकर, सिटी बदलने को लेकर, तो उन सब चीज़ों का सलूशन आपके पास में है, तो इस सलूशन को सभी के पास पहुँचाइए, सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया अमराबाद टाइगर रिजर्व। कई बार मैं बता चुका हूं पहले भी, वापस से रिवाइज करेंगे, 50 देश के अंदर टाइगर रिजर्व है, दुनिया के 70% टाइगर है वो हमारे देश के अंदर है। कौन सा स्टेट के अंदर है, कर्नाटका में सबसे ज्यादा टाइगर है। कौन सा नेशनल पार्क है, वो है बांदीपुर बांधवगढ़ नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ है, उसमें सबसे ज्यादा टाइगर है। लेकिन स्टेट अगर पूछूं मैं, अगर मैंने आपसे पूछा बताइए कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, कर्नाटका। कौन से नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए बांधवगढ़। कितने टाइगर रिजर्व हैं, 50 टाइगर रिजर्व हैं। और अमराबाद टाइगर रिजर्व कहां पर है ये आपको बताना है, और इसका आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो यानी कि सी आंध्र प्रदेश किसमें, बी ऑप्शन के अंदर है, तो आपका आंसर क्या है, बी आपका सही आंसर है। अमराबाद ये जो टाइगर रिजर्व है वो आंध्र प्रदेश के अंदर है। बच्चों ने जो आंसर करा है वो भी चेक कर लेते हैं, और बिल्कुल सही है बच्चों ने कुछ आंसर बिल्कुल सही किया है, आंध्र प्रदेश काफी लोगों का है। ज्ञानेंद्र कुमार जी, अभी गौतम जी की भी फर्स्ट क्लास है, अभी गौतम जी आपका भी स्वागत है वाईफाई स्टडी फैमिली के अंदर, और सही लोगों ने आंसर दे रहे हैं। दीपू कुमार जी बोले नोटिफिकेशन नहीं मिलता, दीपू जी चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद में बेल आइकन पर प्रेस करें, उसके बाद आपको नोटिफिकेशन मिलने लगेगा। और जो बच्चे लेट आए हैं फ्रेंड कोई इशू नहीं है, अभी काफ़ी क्वेश्चन बाकी हैं कवर करने को। आप देख सकते हैं ना अमराबाद टाइगर रिजर्व, ठीक है, तेलंगाना के जस्ट नीचे जो एरिया है, हाँ तो ये वहाँ पर है। इसके अलावा नेक्स्ट भी देख सकते हैं आप, नेक्स्ट जो है अब देखिए ये सारे के सारे टाइगर रिजर्व है, मेजरली इंपॉर्टेंट सारे याद करने, नागार्जुन सागर, बांदेपुर, मधुमलाई, अन्नामलाई, कालाकंड, पेरियार, नागरहोल, डांडेली, सथियारदी, शयारदी, ठीक है, अंधेरी, कॉर्बेट, वाल्मीकि, दुदुआ, बुक्सा, मनहास, नामेरी, सारे के सारे याद कर लेने, कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना इसमें से। ठीक है, निखिल कांबले जी की भी पहली क्लास है, निखिल कांबले जी आपका भी वेलकम, और उम्मीद है वाईफाई स्टडी को आगे ले जाने में, और वाईफाई स्टडी से आप प्रिपरेशन करके सिलेक्शन जरूर पाएंगे। जिस तरीके से पढ़ रहे हैं ना सबका सिलेक्शन होगा फ्रेंड, आप बहुत आगे हैं बाकी स्टूडेंट्स से, यकीन मानिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक केमिस्ट्री का बायोलॉजी का क्वेश्चन है वैसे एक्चुअली, तो आपको बताना है कि द सीरीज ऑफ प्रोसेस बाय विच द नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स आर इंटरकन्वर्टेड इनटू द एनवायरनमेंट
एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से गए एनवायरमेंट में नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन वापस घूम के किसमें आ गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो कुल मिला के जो ये चक्र चलता है ना, ये जो एनवायरमेंट से एटमोसफेयर में, एटमोसफेयर से एनवायरमेंट में नाइट्रोजन का रोटेशन होता रहता है, इसको हम क्या कहते हैं। जब सर्किल में सारी चीजें घूम ही रही है तो साइकिल ही तो है वो, और उसको क्या कहेंगे, नाइट्रोजन साइकिल। अगर कोई भी नाइट्रोजन एनवायरमेंट से लिविंग ऑर्गेनिज्म में, यानी कि एनवायरमेंट से लिविंग ऑर्गेनिज्म से एनवायरमेंट और एटमॉस्फेयर में इस तरीके से घूम रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, नाइट्रोजन साइकिल उसको कहेंगे, यानी कि सी आपका सही आंसर है। वैसे ही अमोनिफिकेशन, यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन, देखिए दो तीन वर्ड और यहाँ पे अच्छे दे रखे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप उसको भी या उसको भी समझ ले। नाइट्रोजन फिक्सेशन, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर मैंने गलत कर दिया, सी डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। डी के अंदर है नाइट्रोजन साइकिल, तो जो है वो डी में है, नाइट्रोजन साइकिल आपका सही आंसर है, वो तो डी वाले में है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ सी वाला, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, देखिए कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, तो उस नाइट्रोजन को लाने के लिए रूट में से कुछ बैक्टीरिया कन्वर्जन करते हैं नाइट्रोजन का, उसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन को फिक्स करने को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि बैक्टीरिया ये काम करते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, इस वाले का तो डी आंसर होगा, लेकिन आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन भी मैं बता देता हूं। आप देखिए इमेज, पहली इमेज तो नाइट्रोजन साइकिल की है, ठीक है, पहली वाली तो नाइट्रोजन साइकिल की है। अगली वाली देखिए, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन आपके सामने है। पेपर में अगली बार ये सवाल पूछा जाएगा ना, तो कभी गलत नहीं करना, बहुत सारे सवाल बनते हैं इसमें से। देखिए सबसे पहले नाइट्रोजन कहां पे फिक्स होता है, पहला सवाल कहां पे होता है, रूट के अंदर होता है, लिग्यूम जो होते हैं रूट में नाइट्रोजन फिक्स होता है। कुछ एक बैक्टीरिया होते हैं जिनका नाम है रिजोबियम, ठीक है, राइजोबियम, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि रूट के अंदर होते हैं, वो क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं। पेपर में पूछते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, तो वो कौन सा है, रिज्यूम, ठीक है, रिजोबियम उसका नाम होता है। कहाँ पे होता है, रूट में पाया जाता है, और वो उसको कन्वर्जन का काम करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट भी इमेज देख सकते हैं जो कि आपके अमोनिफिकेशन की, बी वाला जो ऑप्शन है अमोनिफिकेशन, वो भी समझ लीजिए। अमोनिया का जो कन्वर्जन होता है, ठीक है, अमोनिया का जो कन्वर्जन होता है, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करता है बैक्टीरिया, और नाइट्रोजन से अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करता है। देखिए पेड़ है, उसके बाद में ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, उसके पास में है, किसके पास में, गाय भैंस के पास में, उसने गोबर किया, बैक्टीरिया ने क्या किया, कन्वर्ट किया, और उसको अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर दिया, एयर के अंदर काम आएगी। तो ये सारे के सारे आपको ध्यान रखना है, ओके। और सत्यम जी बोल रहे हैं कि जो सर जो एयरफोर्स का अभी पेपर है उसकी प्रिपरेशन नहीं होती, क्या सर प्लीज बता दीजिए। देखिए सत्यम जी, एयरफोर्स के लिए क्लासेस चल रही हैं, विवेक सर रात को क्लास लेते हैं डिफेंस की, तो उस क्लास को अटेंड करिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा उस क्लास में से। डिफेंस, एनडीए, सीडीएस, एफकैट, इन सबके लिए रात को क्लास चलती है वाईफाई स्टडी के अंदर, तो एक बार वाईफाई स्टडी चैनल पर जाके एक बार देख लीजिए शेड्यूल, उसके हिसाब से प्रिपरेशन कर लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिक्स्थ लोकसभा स्पीकर के अंदर जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, कौन से स्पीकर थे लोकसभा के, छठी लोकसभा के अंदर, जो कि बाद में जाके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, ये आपको बताना है। देखिए कितना सिंपल सा आंसर है, मुझे पता है कि सारे जो आज तक की जो 14 लोकसभा हुई है ना, लोकसभा के स्पीकर 14-15 लोकसभा के स्पीकर रहे, नहीं 16 हो गए, 16 सुमित्रा महाजन 16वीं है, ठीक है, 16 टोटल 16 तभी लोकसभा की स्पीकर है जो कि सुमित्रा महाजन है, पता है आपको, 16 के 16 याद करना पॉसिबल है नहीं। अब इसमें से एलिमिनेशन थ्योरी अपनाइए, कौन से वाले नहीं हो सकते उनको काटिए। वीपी सिंह बन सकते, वीपी सिंह नहीं है, वीपी सिंह कभी भी लोकसभा से प्रेसिडेंट नहीं बने, हटाइए, ठीक है। रामा देवी आपने सुना ही नहीं होगा, बहुत ही मेजर नाम। सुकुमार सेन भी आपने नहीं सुना होगा। नीलम संजीवा रेड्डी आपको पता होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा कि ये प्रेसिडेंट भी रहे और इससे पहले लोकसभा के वो भी रहे, ठीक है, स्पीकर भी रहे। तो आपका आंसर क्या क्या होना चाहिए, बी आपका यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए, नीलिमा संजीवा रेड्डी, ये पहले लोकसभा के स्पीकर थे छठी के, उसके बाद में क्या बने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, 1967 से 69 के समवेयर बने थे, 69 के बीच में ये छठी लोकसभा के वो थे, स्पीकर थे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
प्रेजेंटली आपको पता ही है ना, 16वीं लोकसभा चल रही है। लोकसभा के अंदर जो स्पीकर है वो कौन है? सुमित्रा महाजन है। डिप्टी स्पीकर की बात करो तो थना मलाई जैन, ठीक है, थामी मलाई ऐसे उनका नाम है, तो ADAMK उस पार्टी से बिलोंग करते हैं डिप्टी जो स्पीकर है। इसके अलावा लोकसभा के जो लीडर है, लीडर ऑफ द हाउस कौन है? पीएम मोदी है। अपोजिशन लीडर है नहीं। देखिए बच्चों का बहुत बार मैं आपको ये चीज कई बार बता चुका हूँ, बच्चों के कमेंट आते हैं कई बार कि सर विकिपीडिया पे तो दे रखा है, कहीं पे दे रखा है लीडर ऑफ द अपोजिशन लीडर बना रखे हैं। देखिए फ्रेंड 10% सीटें चाहिए होती है, ठीक है, जो कंपलसरी नहीं है 10% सीटें, अगर वो अगर मेजोरिटी में जो सरकार है वो चाहती है अगर अपोजिशन बनाना तो वो बना सकती है अगर 10% से कम सीटें भी हो तो। लेकिन किसी टाइम पे इंदिरा गांधी जी के टाइम पे कांग्रेस ने बीजेपी के साथ में किया था ऐसा कि उनको भी अपोजिशन वाली चेयर दी नहीं थी, खाली छोड़ दी थी, अपोजिशन रहने ही नहीं दिया था। बीजेपी ने भी वही काम किया, कांग्रेस की 10% सीटें है नहीं तो अपोजिशन रखा ही नहीं उन्होंने, अपोजिशन लीडर ऑफ द अपोजिशन है ही नहीं, ठीक है, ध्यान रखना है, डाउट नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डीपेस्ट ट्रंच इन द वर्ल्ड, सबसे गहरी समुद्री खाई आपको बतानी है, समुद्री खाई कौन सी है? बड़ा ही सिंपल सा है, दो चीज नाम ध्यान रखना है आपको, कहां पर है। काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, अगर आपने टाइटैनिक और अवतार मूवी देखी है उसके डायरेक्टर है जेम्स कैमरून। जेम्स कैमरून ने अभी एक पिक्चर बना रहे हैं, उन्होंने शूटिंग करी है, जो उन्होंने दुनिया की सबसे गहराई वाली जगह है जिसका नाम क्या है, मैरियाना ट्रेंच, ठीक है। मैरियाना की जो खाई है वो दुनिया की सबसे डीपेस्ट है, जितना ऊपर है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर है ना, इससे कहीं ज्यादा डेप्थ के अंदर 11 किलोमीटर से भी ज्यादा डेप्थ के अंदर है मैरियाना ट्रेंच। ऐसा खड्डा होता है समुद्र के अंदर, ठीक है, ये पानी मान लीजिए तो एक ऐसा खड्डा होता है उसको कहते हैं ट्रेंच। सबसे जो डीपेस्ट है इसके अंदर जो पॉइंट है उसका नाम है चैलेंजर, चैलेंजर डीप। कई बार पूछते हैं पेपर में आपको मैरियाना ट्रेंच का नाम नहीं देके चैलेंजर नाम देंगे, तो आपको ध्यान रखना है चैलेंजर उसका पॉइंट है आखिरी, मैरियाना ट्रेंच उसका ट्रेंच का खाई का नाम है। कहां पर है ये? पैसिफिक ओशन में, पैसिफिक ओशन के अंदर है, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पेपर में बहुत बार पूछते हैं मैरियाना ट्रेंच के बारे में और कई बार आपके सवाल इसमें से अलग अलग बनते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए आपके सामने इमेज भी है जो मैंने अभी आपके बनाई है, चैलेंजर डीप, उसके अलावा मैरियाना ट्रेंच, माउंट एवरेस्ट, सब आपके सामने है, तो कभी गलत नहीं करना इस क्वेश्चन को, ठीक है। और काफी बच्चों ने यहां पे आंसर वैसे सही दिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है चैन डिग्री चैनल को लेकर, 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है ये आपको बताना है। अगर आपने देखिए 10 डिग्री चैनल जो है ना, अगर आपने अंडमान और निकोबार के बारे में पढ़ा है तो अंडमान के बारे में पता है ना आपको, चार पार्ट्स में डिवाइडेड है अंडमान निकोबार। अंडमान जो है ना, देखिए अंडमान निकोबार जब भी हम पढ़ते हैं तो ऐसे आइलैंड्स हैं बहुत सारे, तो सबसे ऊपर नॉर्थ अंडमान है, उसके बाद में ठीक है मिडिल अंडमान है, उसके बाद में साउथ अंडमान है, इसके बाद में लिटिल अंडमान है, उसके बीच में 10 डिग्री चैनल है, उसके नीचे निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ओके। तो आपका आंसर क्या होगा, लिटिल अंडमान के बीच में और निकोबार के बीच में क्या है, 10 डिग्री चैनल है। 6 डिग्री किसके बीच में है, इंडिया और इंडोनेशिया, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ठीक है कैपिटल कहां पर है, पोर्ट ब्लेयर साउथ के अंदर, पोर्ट ब्लेयर कहां पर है, पूछते हैं पेपर में कि अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है ना वो कहां पर है, आपको दे देंगे नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान। अब बड़ा कंफ्यूज लगते हैं कि अंडमान की तो है कैपिटल पोर्ट ब्लेयर, सबको पता है, लेकिन अब ये मिडिल नॉर्थ क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है साउथ अंडमान जो है उसके अंदर पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है, गलत नहीं करना है। काफी बच्चों ने आपने सही आंसर दिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, कभी गलत नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं आपके सामने इमेज होगी जो कि किसको है, किसको लेकर है, अंडमान और निकोबार को लेकर है। देखिए सबसे ऊपर नॉर्थ अंडमान दिख रहा होगा, उसके अलावा मिडिल अंडमान, मिडिल के अंदर बैरल आइलैंड है, ओके, और यहां पे
अनिल जी बोल रहे हैं खुशवाहा जी नाम लेने के लिए। अनिल जी सही आंसर करिए सारे के सारे। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है जिन लोगों ने आंसर दिया है। तो आंसर क्या है इसका, लिटिल और निकोबार, लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में, यानी कि सी आपका सही आंसर है। ठीक है, सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंगा वॉर को लेकर, कलिंगा जो वॉर है वो कौन से साल के अंदर लड़ाई हुई थी ये आपको बताना है। देखिए ऑप्शन कितने अजीब अजीब से हैं, आपको पता होना चाहिए मौर्य अशोका जो है ना, अशोका कौन से टाइम पे थे, इतना ही पता है ना, तो आप आंसर पे कर लोगे। कितने 100-100 साल का अंतर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, कैसे आंसर गलत होगा आपका बताइए, कैसे आपका आंसर गलत होगा। आप सभी को पता ही है ना कलिंगा वॉर अशोका ने लड़ी थी, इसके बाद में लड़ाई को छोड़ दिया था और उसके बाद में उन्होंने बुद्धिज्म ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद में अपने जो बेटे थे संघमित्रा महिंद्रा उनको भी उन्होंने बुद्धिज्म को फैलाने के लिए भेज दिया था। आंसर क्या है 261 BC, बी आपका यहाँ पे सही आंसर है। कलिंगा कहाँ पर है, उड़ीसा आंध्र प्रदेश का जो बॉर्डर है उस वाले एरिया में कलिंगा हुआ करता था। आप देख सकते हैं आपके सामने इमेज है जिसमें कलिंगा वॉर को लेकर है, मौर्य एम्पायर अशोक के बीच में और कलिंगा का एक राज्य है उसके बीच में लड़ाई हुई थी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के वहां पे। कलिंगा जो है वो कलिंगा किंगडम की कैपिटल थी उस टाइम पे और उसके बाद में 1.5-2 लाख लोगों की मौत करने के बाद में अशोका ने उसको छोड़ दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टीपू सुल्तान को लेकर, टीपू सुल्तान वॉज ऑल्सो नोन एज द लायन ऑफ, टीपू सुल्तान आपको पता है ना हैदर अली के सबसे बड़े बेटे थे टीपू सुल्तान और काफी ब्रेव थे। तो कहाँ के रूलर थे वो सबको पता है, मैसूर के रूलर थे, तो मैसूर के ही वो कौन बनेंगे। ठीक है, मैसूर के ही लायन कहलाए जाते हैं, यानी कि लायन ऑफ मैसूर के नाम से कौन जाना जाता है, टीपू सुल्तान जाने जाते हैं। आंसर क्या होगा, ठीक है डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, मैसूर आपका सही आंसर है, काफी लोगों ने यहाँ पे सही आंसर भी दिया है और आप देख सकते हैं इमेज के अंदर टीपू सुल्तान को कहते थे टाइगर ऑफ मैसूर, किंगडम ऑफ मैसूर के रूलर थे और उनके फादर का नाम था हैदर अली और उनकी वाइफ का नाम था फातिमा। ठीक है, मतलब हैदर अली की जो फातिमा उनकी बीवी का नाम था हैदर अली के। 1750 AD के अंदर इनका बर्थ हुआ था और कर्नाटका के ये रूलर थे। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिश वॉशर का इन्वेंशन किसने किया था, पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है, एक लेडी थी उन्होंने डिश वॉशर का, सिंपल सी बात है मैन को जरूरत है नहीं, मतलब फीमेल को ज़्यादा जरूरत पड़ती है इस चीज़ की, तो उन्होंने इसका क्या किया इन्वेंशन किया और उसका नाम क्या था। ठीक है, जोसेफिन कोचरिन, जोसेफिन कोचरिन नाम था, यानी कि आपका आंसर क्या है डी आपका सही आंसर है। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, वापस से रिपीट हुआ है। ठीक है, तो कोचरिन वो पर्सन थी जिन्होंने क्या किया था, इसका इन्वेंशन किया था, उसी से फिर उन्होंने कंपनी भी बनाई, आप देख सकते हैं यहाँ पे और ये आपके सामने है। ठीक है, गैरिस कोचरिन डिश वॉशिंग मशीन लिमिटेड, तो इस तरीके ने उन्होंने डिश वॉशिंग मशीन उन्होंने बनाई थी। और यहाँ पे टेक्निकल क्लास के लिए बोल रहे हैं कुछ बच्चे, फ्रेंड जल्दी स्टार्ट करी जाएगी आपके लिए टेक्निकल क्लासेस भी, ठीक है चिंता मत करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जो कि आपसे पूछा गया है एक फिजिक्स के लॉ को लेकर, पहले भी मैं बता चुका हूं आपको इन सारे लॉ के बारे में, डिस्क्रिप्शन दे चुका हूं। मैग्नेटिक फ्लक्स को लेकर और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को लेकर पूछा गया, स्टेट दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड द रेट ऑफ कटिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज। अब देखिए आपको पता होना चाहिए जब भी फ्लक्स की बात होती है ना, तो फैराडे एक पर्सन थे ना, फैराडे ने मैग्नेटिक फील्ड को लेकर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनके ऊपर बहुत काम किया है। क्वेश्चन में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और ये सब देखो, फैराडे मार दो। ठीक है, CHSL के में तो कोई दिक्कत नहीं है, 101% सही होगा आपका आंसर, क्योंकि जो बाकी ऑप्शन होंगे वो बड़े अजीब से होंगे। ठीक है, लेंज लॉ तो कॉइल से लेकर है, कॉइल से रिलेटेड, हुक्स लॉ स्प्रिंग से लेकर है, मैंने आपको बताया था, ओम्स लॉ करंट से लेकर है, और बचा क्या, फैराडे तो बचा। फैराडे ने जनरेटर के ऊपर काम किया, मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर काम किया, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर काम किया, तो आंसर क्या होगा आपका, फैराडे आपका सही आंसर होगा, यानी कि डी आपका सही आंसर है। आप देख सकते हैं आपके सामने इमेज है। ठीक है, फैराडे लॉ हम जिसको कहते हैं। देखिए ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है सर्किट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के, जो कि सर्किट के अंदर हुआ है। फॉर्मूला आपके सामने है, इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर्मूला वैसे, नेक्स्ट भी देख सकते हैं, जो कि मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स होती क्या है ये आपको समझाया। कई बच्चों को पता नहीं होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स होती क्या है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स होती क्या है, जितना मैग्नेटिक फील्ड पास होता है किसी भी सरफेस से या फिर कॉइल से उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं।
ठीक है, इट इज ए अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू अ सरफेस। किसी भी सरफेस में से मैग्नेटिक फील्ड जो पास हो रही है, ठीक है, मैग्नेट की वजह से, उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स नाम देते हैं। यूनिट क्या है? वेबर इसकी यूनिट है। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी जब मैं एरिया से उसको डिवाइड कर दूंगा। देखिए वापस से समझा रहा हूं, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है, किसी भी सरफेस एरिया में, सरफेस में से मैग्नेटिक फील्ड जब पास होती है तो उसको मैं मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। एरिया से डिवाइड कर दूंगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आ जाएगा, यही प्रोपोर्शनल होती है जो कि करंट पास होता है। तो वो किसने बताया? फैराडे ने बताया। आंसर क्या है? फैराडे है, आप देख सकते हैं। तो यहां पर बच्चों ने जो आंसर किया है वो भी चेक कर लेते हैं। डिश वॉशर क्या काम में आती है? पंकज जी बोल रहे हैं, अरे बर्तन धोने के काम में आती है। डिश वॉशर जो है ना वो बर्तन धोने के काम में आती है, ठीक है। और करंट अफेयर के लिए बोल रहे हैं अनुज जी, 6 महीने के करंट अफेयर आपके 2-3 दिन के अंदर आपके पास आने वाला है। अनुज जी 2-3 दिन के अंदर करंट अफेयर आपके पास में पहुंचने वाला है, ठीक है, चिंता मत करिए। और चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इफ द वेक्टर सम ऑफ टॉर्क एक्टिव ऑन अ सिस्टम इज जीरो देन द ऑब्जेक्ट इज इन। जो टॉर्क है, टॉर्क का मतलब समझ में आता है आपको, मैं पहले भी बताया था, जब मैं अगर किसी भी चीज को घुमा रहा हूंगा ऐसे पकड़ के, अगर किसी भी चीज को रोटेट करूंगा ना इसको, तो इसके ऊपर टॉर्क लगेगा। अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा ना किसी भी चीज से, तो इसके ऊपर टॉर्क लगेगा, ठीक है। तो अब बोला है कि अगर जो सम जो है, वेक्टर सम जो है, वो टॉर्क जो लग रहा है वो जीरो है, तो क्या होगा? देखिए तो होगा क्या, जो रोटेशनल जो इक्विलिब्रियम है ना, वो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ऑब्जेक्ट अगर टॉर्क प्रोड्यूस हो ही नहीं रहा, तो रोटेशन तो करवा रहा था मैं, तो रोटेशन किस में हो गया? इक्विलिब्रियम में हो गया। तो आंसर क्या होगा? रोटेशनल इक्विलिब्रियम इसका सही आंसर होगा। बच्चे स्टैटिक आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है, ठीक है। स्टैटिक नहीं होगा, स्टैटिक तो जब होगा जब कुछ काम ही नहीं हो रहा है। ट्रांसलेटर क्या होता है? सीधा वाला होता है, लीनियर भी सीधा होता है, और रोटेशनल क्या होता है? रोटेशन वाला होता है। अगर मैंने किसी चीज को घुमाने की कोशिश कर रहा हूं और इतना ही फोर्स यहां से और इतना ही फोर्स यहां से लग रहा है उल्टा, ठीक है, उल्टा भी फोर्स लग रहा है, तो रोटेशन जीरो हो जाएगा ना इसका। तो आंसर क्या होगा? जीरो इसका, यानी कि जो डी इसका सही आंसर होगा। आप देख सकते हैं आपके सामने इमेज होगी जिसमें टॉर्क होता क्या है ये बताया गया है, ठीक है। टॉर्क होता क्या है ये समझाया गया है। जब भी दो टॉर्क एक्ट होते हैं तो दोनों ऐड हो जाते हैं। हमेशा पेपर में आता है कि अगर दो टॉर्क एक साथ किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो क्या होगा? दोनों ऐड हो जाएंगे। नेट टॉर्क क्या होगा? सम ऑफ ऑल टॉर्क कितना होता है? जीरो होता है। नेट टॉर्क जीरो होगा तो ऑब्जेक्ट रोटेशन हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। ये सब आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, 1950 का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कहां पे रखा हुआ है ये आपको बताना है। प्रेसिडेंट हाउस में हो सकता है? नहीं। देखिए संविधान का जो काम है ना वो पार्लियामेंट से काम है। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। संविधान का जो रोल है वो हमारे पार्लियामेंट के अंदर ही है, तो कहां पे रखेंगे उसको? पार्लियामेंट में तो रखेंगे। आंसर क्या होना चाहिए? सी आपका यहां पे सही आंसर होना चाहिए। बिल्कुल सही दिया है बच्चों ने आंसर यहां पे, ठीक है। हितेंद्र सिंह जी ने कहा है करंट अफेयर, और यहां पे धीरू जी बोल रहे हैं केवीएस का करंट अफेयर। देखिए धीरू जी, मैं आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करूंगा 300 क्वेश्चन का, 200-300 क्वेश्चन का, जिसमें आपके सीएचएसएल तो इंपॉर्टेंट है ही, केवीएस वीवीएस सारे पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो जरूर देखिएगा, 2-3 दिन में मिलने वाला है आपको। तो जितना चाहे डीएमआरसी हो, चाहे कोई सा ही पेपर हो, सब में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। इस तरीके का करंट अफेयर आपको मिलेगा। आंसर क्या होगा? पार्लियामेंट आपका सी इसका सही आंसर होगा। पार्लियामेंट में तो रखा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन, और कहां रखा जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 231 जो कि बोलता है कि हाई कोर्ट दो स्टेट के एक हो सकता है। आपको पता है ना हमारे देश में कितने 24 हाई कोर्ट है, कई सारे जगह के दो दो हाई कोर्ट भी है, मतलब दो जगह के एक हाई कोर्ट। गोवा के अंदर हाई कोर्ट नहीं है तो गोवा का हाई कोर्ट कहां लगता है? बॉम्बे के अंदर लगता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी ऐसा है, बहुत जगह पे गुवाहाटी हाई कोर्ट लगता है, बहुत सारी जगह पे ऐसा ही तो होता है। बहुत सारी जगह पे सेम होते हैं हाई कोर्ट दो स्टेट के ऐसे। अब आपको बताना है कि 231 का जो मैटर है ना वो किसका मैटर है। देखिए सुप्रीम कोर्ट का मैटर सेंटर का होता है, और हाई कोर्ट का मैटर किसका होता है? स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो आंसर क्या होगा इसका? स्टेट गवर्नमेंट ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट यानी कि ए आपका सही आंसर है। हाई कोर्ट के बारे में पता है ना, हाई कोर्ट के जो जज है उनकी जो रिटायरमेंट उम्र कितनी होती है? 62 साल। सुप्रीम कोर्ट के जज की कितनी होती है? 65 साल, ठीक है। बाकी सारे के सारे सेम चीज होती है। अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट हाई कोर्ट के जो जज है उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, साथ में अगर कौन करता है सीजीआई,
और साथ में वहाँ के जो CGI या हाई कोर्ट के उनसे भी रिकमेंडेशन ली जाती है और साथ में गवर्नर, ये चार लोगों को आपका ध्यान रखना है। रिजाइन किसको करेंगे? प्रेसिडेंट को ही करेंगे। अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही करेगा। ये सब आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट टेस्ट मैच कब खेला गया था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए कहाँ खेला गया था, कब खेला गया था। भारत के बारे में पता होना चाहिए, भारत ने कब खेला। ठीक है, तो देखिए जब हम बात करते हैं दुनिया के पहले टेस्ट मैच की, तो ये 1877 में खेला गया, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। ठीक है, कहां खेला गया? MCG के अंदर, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। जीता कौन? ऑस्ट्रेलिया बाय 45 रन्स। ये दुनिया में पहली बार टेस्ट मैच खेला गया था। इंडिया की बात करूं अगर मैं, इंडिया 1932 में भारत ने टेस्ट मैच खेला पहला। इससे पहले भी खेला था लेकिन उसके अंदर आधे तो फिरंगी थे और आधे भारतीय थे, तो उसको और इंडियन टीम को ऑफिशियली टेस्ट मैच का दर्जा भी नहीं था। तो 1932 के अंदर भारत ने पहला टेस्ट मैच खेला था इंग्लैंड जाकर, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया मैच था, जिसमें CK नायडू हमारे कप्तान थे। CK नायडू ट्रॉफी होती है ना क्रिकेट की, इसीलिए तो होती है क्योंकि हमारे टेस्ट के पहले कप्तान CK नायडू थे, तो उनकी कैप्टनशिप के अंदर हमने मैच खेला और हम बुरी तरीके से हार गए। ठीक है, 150-200 रन बनाए थे इंडिया ने दोनों इनिंग के अंदर, 100-150 इतने रन बनाए थे, इंडिया वो मैच हार गया था। तो ये आपको सब ध्यान रखना है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर होगा। बच्चों ने यहाँ पे जो आंसर दिया है वो भी चेक कर लेते हैं। बच्चों ने क्या आंसर दिया है? बिल्कुल सही है, काफी बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑथर्स को लेकर पूछा गया, आर इम्पॉसिबल लव जो ये किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई है? आर इम्पॉसिबल लव, ये जो किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये जो इसका आंसर होगा, ठीक है, अभिषेक जी बोल रहे लगान मूवी का टेस्ट मैच था। ठीक है, बिल्कुल टेस्ट मैच ही था लगान वाला भी, बिल्कुल, जिसमें भारत जीत गया था, वैसे तो हार गया था पहली बार। और आंसर क्या होगा? दुर्जॉय दत्ता। दुर्जॉय दत्ता वो पर्सन है जिन्होंने आर इम्पॉसिबल नाम की जो किताब है वो लिखी है। आंसर क्या है? डी आपका सही आंसर है। आप देख सकते हैं कवर फोटो, ठीक है, ये वो किताब है दुर्जॉय दत्ता की, आर पॉसिबल लव नामक किताब। और फ्रेंड्स उम्मीद है कि ये 25 क्वेश्चन आज हमने जो कवर किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आने वाले टाइम में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इन सभी से। इसी तरीके से GK क्लास करते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। वाईफाई स्टडी को चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जितना हो सके शेयर करें, वाईफाई स्टडी के बारे में दोस्तों को बताएं, गाँव में बताएं, ताकि जितने हो सके बच्चे ये फ्री एजुकेशन का फायदा उठा सके। साथ में आपको पता ही है 24 तारीख को कम्युनिटी लखनऊ में वाईफाई स्टडी मिलने आ रही है, तो वहाँ पर आप सभी लोग मिलकर वाईफाई स्टडी से अपने करियर से रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली वोकैब क्लास सुबह 8:30 बजे, मैथ्स मंथन सुबह 10 बजे, GK ज्ञान दोपहर 12 बजे, रीजनिंग मंत्रा दोपहर 2 बजे, इंग्लिश डोज शाम 4 बजे, मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को।